ये काली दीवारें देखी आपने, ये जला हुआ सामान देखा आपने, ये कभी किसी का आशियाना हुआ करता था। इस घर के आंगन में कभी हंसी और मुस्कुराहट चहका करती थी, लेकिन आज एक काला मौत का सन्नाटा पसरा है। इसी कमरे में कभी परिवार के साथ बैठकर खुशी के दो पल पीयूष ने बिताए होंगे, लेकिन आज पीयूष अस्पताल में भर्ती है। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां एक प्राइवेट साहूकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए उस पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है। दरअसल कर्जदार हरीशचंद, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, उन्होंने जसबीर भाटिया नाम के एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए वापस देने बचे थे, लेकिन साहूकार ने तुरंत बकाया रुपए देने की बात कही। इसी बात को लेकर साहूकार और कर्जदार में कहा सुनी हो गई। कुछ समय साहूकार शांत बैठा रहा, फिर अचानक गुस्से से आग बबूला हो गया। साहूकार ने अपनी गाड़ी की डिक्की से पेट्रोल से भरी 2 बोतलें निकाली और कर्जदार और उसके परिवार पर पेट्रोल डालकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। एक तास बसून होता, बसून शांत बने बसला, काही नाही केलं, प्लॅनिंग नाही चाला होता, डोळे बंद करून बसून होता। नंतर बाहेर गेला, डिक्कीतून पेट्रोलच्या 2 बॉटल आणल्या, दोन्ही बॉटल शिळपल्या आमच्या अंगावरून पूर्ण घरात आणि माचीस लावून आग लावून दिली। कशासाठी पण केलं? त्याला पैसे द्यायचे होते आम्हाला। आम्ही संध्याकाळी 8 वाजता पैसे देतो म्हटलं, पण तो म्हणे मला आत्ताच पैसे पाहिजे। किती पैसे होते? 1 लाख रुपये द्यायचे होते। तुम्ही त्या व्याजाने घेतले होते? हो, व्याजाने। सावकारी धंदा करतो का? माहीत नाही। आता सावकारी असं प्रायव्हेट सावकारी बिना लायसन्स। आरोपी फिर्यादी के घर में जो उसके ब्याज के पैसे थे वो मांगने के लिए गया था और उनके बीच कुछ वाद हुआ। फिर आरोपी ने पेट्रोल डाल के पेट्रोल से पूरे घर में छिड़काया और फिर्यादी की बीवी और बच्चे इनके अंग पर भी थोड़ा सा पेट्रोल छिड़काया और उनको जलाने की कोशिश की है, घर भी जलाया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए साहूकार जसबीर पर धारा 307 और 436 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।